तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस नए वीडियो में। अगर दोस्तों आप सचमुच में फ़ोटो एडिटिंग, फेस को स्मूथ कैसे करें, बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे करें, ये सब सच में सीखना चाहते हैं गाइस, तो ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अगर ये सब नहीं सीखना चाहते तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप अभी भी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं गाइस। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अगर पूरा वॉच किया ना गाइस, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको फेस स्मूथ करना आ जाएगा, बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते वो करना आ जाएगा, और इस प्रकार से देखिए जो चश्मे का कलर है ना गाइज, वो कैसे मैंने चेंज किया है, ये सब है ना गाइज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है गाइज। अगर सचमुच आप फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सीखना चाहते हैं, तो ये इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए गाइज। तो यहाँ से मैं इसमें बताऊँगा कि आप अपने बैकग्राउंड के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक में गाइज आप बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कुछ भी एडिटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइज। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है ना गाइज, पहले हम अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। तो हम लाइटरूम में सिंपली फ़ोटो को ले जा रहा हूँ गाइज। तो ये देखिए मैं लाइटरूम में इस फ़ोटो को ले गया हूँ। लाइटरूम में ले जाने के बाद जो हमारा पहला जो स्टेप होता है गाइज, वो है लाइट का। जो हमने फ़ोटो में अगर देखिए, हमारा फ़ोटो काफ़ी हाई लग रहा है, धूपा में हमने क्लिक किया है फ़ोटो। तो आप लोग को भी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से फ़ोटो एडिटिंग करना आ जाएगा गाइज, अगर आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो इसका कॉन्ट्रास्ट मैं बढ़ा लेता हूँ, हाईलाइट्स को माइनस रखूँगा, शेडोज़ को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, बस थोड़ा सा गाइज, क्योंकि ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगा तो इसका ओपेसिटी कम हो जाएगा। इसका ब्लैक्स में माइनस कर देता हूँ, व्हाइट्स भी मैं थोड़ा बहुत माइनस कर दूंगा। बिफ़ोर आफ्टर आप लोग को थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा फोटो में गाइज। और जो हमारा सेकंड स्टेप यानी हमारा अगला स्टेप है गाइज कलर का, इसमें हमको पहले कलर ऐड करना होगा। तो हम लोग कलर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये देख लीजिए मैं कलर पर क्लिक करता हूँ। इतना करने के बाद आपको मिक्स वाले ऑप्शन पर जाना है गाइज। ये देखिए मिक्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोग को सिंपली जो ग्रीन का कलर है ना गाइज, उसको क्लिक कर देना है। इसको कलर क्लिक करते इसका सैचुरेशन आप लोगों को बढ़ा देना है और इसका ह्यू माइनस कर देना है। तो आप लोग ह्यू अगर बढ़ाते और घटाते तो आपको काफ़ी मस्त चेंजेस दिखने को मिल जाता है गाइज। तो इतना मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और इसका मैं सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लूँगा गाइज। लुमिनेंस में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। सेटिंग आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको एरो करके दिखा देता हूँ, इसको 97 इसको 45 रखा हूँ, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। इतना करने के बाद गाइस हमारा जो फेस का कलर है ऑरेंज कलर, जो ये देखिए मैं इसमें सर्कल किया हूँ, इसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है और इसका लुमिनेंस को इंक्रीज कर देना है। इतना कर देने के बाद गाइस आपको फ़ोटो काफ़ी हद तक बन जाएगा, जो कि हमको देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है गाइस। हम इसका फिर से एक रेड वाले कलर पर आते हैं, इसका सैचुरेशन को हम लोग माइनस कर देते हैं और लुमिनेंस को इंक्रीज कर देते हैं। इतना आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही आप लोग रखिएगा, इतना बिफोर आफ्टर आप लोग को फ़ोटो में बहुत ही मस्त चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। तो जो हमारा ये स्टेप है ना लाइटरूम का गाइज, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने आते हैं फेस स्मूथ को और फेस को ब्राइट कैसे करें। ये फेस उतना ब्राइट नहीं लग रहा है गाइज, इसको लिए ब्राइट करने के लिए हम थोड़ा सा स्नैपशीट में से लेकर चलेंगे। बैकग्राउंड हमारा काफ़ी हद तक बहुत ही मस्त लग रहा है गाइज, तो यहाँ से इस फोटो को हम लोग शेयर करते हैं। इस फोटो को हम लोग शेयर करते हैं गाइज, सिंपली शेयर टू पर क्लिक करेंगे हम, इस फोटो को शेयर करते हैं, हम स्नैपशीट में लेकर चलते हैं इसको। तो ये देखिएगा, हम इस फोटो को स्नैपशीट में लेकर आ गए हैं। हम थोड़ा सा फेस को ब्राइट करेंगे थोड़ा सा, ये देखिए गर्दन के साइड हमारा फेस काफ़ी डल लग रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो इस पर इसके लिए हम टूल्स पर क्लिक करेंगे गाइज, देन इसके बाद सिलेक्टिव का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज हम लोग यहाँ से इसको चूज कर लेंगे, और यहाँ से इसका जो ब्राइटनेस है ना गाइज, उसको हम बढ़ा लेंगे। तो इसको मैं ब्राइटनेस दोनों हाथ से थोड़ा सा मैं कम करके इसका ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ, और इसका कॉन्ट्रास्ट मैं माइनस रखूँगा, सैचुरेशन को थोड़ा सा मैं प्लस की साइड रखूँगा, और इसका स्ट्रक्चर मैं बढ़ा लूँगा। इतना करने के बाद आपको बिफोर आफ्टर देखने को मिल रहा है, काफ़ी मस्त लगा रहा है फोटो गाइज। देन फिर से आप लोग को सिलेक्टिव पर जाना है,
इसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेना है। तो हमारा ये दूसरा स्टेप वो भी क्लियर हो गया, हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, हम अपने फेस को ब्राइट कर लिए। अब हम अपने फेस को स्मूथ करेंगे गाइस। यहाँ से मैं फ़ोटो को शेयर करता हूँ। शेयर करने के बाद मैं ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप को ओपन करूँगा और यहाँ से अपने फ़ोटो को स्मूथ करूँगा गाइस। तो सिंपली मैं आप लोग को टूल्स पर लेकर चल जाता हूँ। आप लोग को फेस अभी देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। फ़ोटो को स्मूथ करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, जो कि जिसमें हमारा फ़ोटो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग टूल्स पर फिर से क्लिक करेंगे। आप लोग बहुत सारे टूल्स देखे होंगे ऑटोडेस्क में गाइस, बहुत यूट्यूबर आपको बताया होगा कि इस टूल से फेस स्मूथ करो, इस टूल से करो। जब आप करते हो ऐसे तो नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, जो इस ऐप में जो फेस स्मूथ का जो टूल वाला है ना गाइस, वो ये है। इससे बहुत ही मस्त तरीका से फेस स्मूथ होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस कि आप इस तरीका को अपने अप्लाई किया था आपका फेस ख़राब नहीं होगा, फेस स्मूथ बहुत ही मस्त तरीके से होगा। तो इसको सेटिंग को आप लोग देख लेना है, वन और साइज को अपने हिसाब से मैनेज रखना गया, साइज को अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको फेस को जूम करना है और सिंपली इसको राउंड पर ऐसे ऐसे करके चला देना है गाइस। तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल करूँगा, पहले मैं सीधा सीधा ऐसे करूँगा प्लेन। मैं आपको बता देता हूँ, अगर फेस को स्मूथ कीजिएगा तो अपने हेयर के ऊपर मत कीजिएगा, इसको लेके जाइएगा बहुत ही ख़राब लगेगा। तो आप लोग को सिंपली कुछ इस प्रकार से स्मूथ करना है गाइस। तो आपको चारों तरफ से घुमा कर ये स्मूथ करना है इसको फ़ोटो को गाइस। मैं देखिए, मैं चारों तरफ से इसे घुमा कर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथ कर रहा हूँ। आप लोग को ऐसे ही करना है। आप लोग अगर ऐसे स्मूथ करिएगा ना गाइस, तो आपका फ़ोटो बहुत ही अच्छा लगेगा, शार्प लगेगा देखने में और आपको ख़राब भी नहीं होगा। ये बहुत ही रियल ट्रिक है गाइस, ये ट्रिक बहुत ही मस्त है गाइस। आप इसी प्रकार से अपने फेस को स्मूथ करिएगा। तो यहाँ से मैं पहले अपने फोरहेड को स्मूथ कर लेता हूँ, जो कि हमारा काफ़ी मस्त लग रहा है गाइस। तो ये देखिए, इतना मैं कर लिया हूँ। इतना करने के बाद आपको जो चीक वाला एरिया है उस पर करना है सिंपली आप लोग को स्मूथ। तो ये देखिए, मैं साइड से कर रहा हूँ इसको स्मूथ। जो इतना वाला एरिया है उसको मैं कर रहा हूँ स्मूथ गाइस। आप लोग को भी कुछ इस प्रकार से इसको स्मूथ करना है। आप लोग को फोटो को घुमा कर करना गाइस। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने फोटो को घुमा कर करिएगा, जिससे आपका फ़ोटो बहुत ही मस्त तरीके से स्मूथ होगा, देखने में भी काफ़ी बॉम्ब लगेगा गाइस। तो ये देखिए, मैं इतना इसको स्मूथ कर लिया हूँ। अपने दाढ़ी की तरफ लेकर चलता हूँ, और जो हमारा दाढ़ी मूछ होता है ना गाइस, उसको बढ़िया से आप लोग स्मूथ कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही ख़राब लगेगा देखने में। ये देखिए, मैं इस प्रकार से इसको स्मूथ कर लिया हूँ और मैं इस तरफ का जो दाढ़ी मूछ है इसको बराबर से मैं स्मूथ किया हूँ गाइस, क्योंकि हमारा फ़ोटो देखने में ख़राब ना लगे, इसलिए मैं इस प्रकार से इसको स्मूथ किया हूँ। आप अगर चाहिए तो वीडियो को बढ़ा भी सकते हैं गाइस, जिसमें कि सिर्फ मैं फेस स्मूथ बता रहा हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा कि आप अपने लिप का कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने लिप को कैसे बहुत ही मस्त तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो इतना करने के बाद हमारा हो चुका है चीक पर भाई गाइज, हमारा गाल जो हो गया वो स्मूथ हो गया। तो ये देखिए, काफ़ी मस्त लग रहा है हमारा फ़ोटो, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम अपने नोज पर इसको स्मूथ करेंगे गाइज। तो यहाँ से मैं नोज पर इसको स्मूथ कर लेता हूँ। तो नोज का जो पार्ट हमारा चश्मा अगर पहन लेते गाइस तो उतना हार्ड नहीं लगता है स्मूथ करने में, नहीं तो नोज का पार्ट बहुत ही हार्ड लगता है स्मूथ करने में गाइस। तो ये काफ़ी बहुत हद तक स्मूथ हो चुका है सही से। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना मस्त हमारा फेस स्मूथ हुआ है गाइस। और जो गर्दन का साइड है और कान हमारा बचा हुआ है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं कुछ इस प्रकार से इसको स्मूथ कर लिया हूँ। इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ।
साइज को अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, घटा लीजिएगा, आपको जैसे भी करना है उसको कर देना है वैसे ही। तो इतना करने के बाद हमारा फोटो काफी हद तक मस्त बन चुका है गाइस, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है हमारा फोटो गाइस, देखने में बहुत ही औसम लग रहा है। अब हमारा जो अगला स्टेप है गाइस कि हम अपने चश्मे का कलर कैसे चेंज करें और अपने बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करें, अपने लिप को कैसे चेंज करें, ये भी सब मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ से इस फोटो को मैं शेयर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं फ़ोटो को पिक्सार्ट ऐप है ना गाइस, उसमें इस फ़ोटो को ओपन करूँगा। तो अलाउ क्लिक कर दीजिएगा, आपको ऑल फोटोज पर जाना है। इस पर जाने के बाद जो आपका फ़ोटो है ना गाइस उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा जो हमारा फ़ोटो कुछ मस्त तो हो ही चुका है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर को चेंज करेंगे और अपने जो लिप का कलर है ना गाइस उसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता होगा, तो आपको यहाँ पर एक हेयर कलर का ऑप्शन मिलता होगा गाइस, तो हेयर कलर पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैं एरो कर दिखा दिया हूँ, आपको हेयर कलर पर क्लिक करना है। हेयर कलर पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपली जो ऑरेंज का कलर उसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए ऑरेंज का कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं मैनुअल रखूँगा अपने हिसाब से और फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ। जूम करने के साथ बाद में थोड़ा सा इस साइड को स्मूथ करूँगा, फेस पूरे फेस को, पूरे लिप को मैं स्मूथ कर लूँगा। तो ये देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है हमारा लिप, बहुत ही झकास लग रहा है गाइस, देखने में काफ़ी हद तक बहुत ही मस्त लग रहा है। तो ये देखिए कितना मस्त लग रहा है हमारा गाइस लिप देखने में। तो ये हमारे लिप का कलर भी हो गया है चेंज गाइस। अब हम अपने चश्मे का कलर और बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे गाइस, तो इसको मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। देखिए जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कितना मस्त लग रहा है, इसका अमाउंट को आप लोग घटा बढ़ा करके बहुत ही बढ़िया से कर लीजिएगा। यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ गाइस। इतना करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है ना गाइस उसको मैं चेंज करूँगा। तो देन आपको FX का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और नीचे वाले ऑप्शन को पूरा स्लाइड कर देना है। इसमें आपको एक कलर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, ये देखिए, हाँ इस कलर्स पर आपको क्लिक करना है और कलर्स रिप्लेस वाला है ना उस पर देन आपको क्लिक कर देना है। ये जो है इसको क्लिक कर देना आप लोगों को। इतना करने के बाद जो आपको प्लस वाला आइकन है ना, प्लस वाले आइकन को वहाँ पर लेकर जाना है और ये यहाँ पर देखिएगा आप अपने बैकग्राउंड के कलर को कैसे ही बहुत ही आसानी तरीका से कोई भी कलर टोन डाल सकते हैं। तो ये है ना कमाल का ट्रिक गाइस, कि आप अपने बैकग्राउंड को एक कलर करिए, बाकी कलर वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, काफ़ी मस्त तरीका है। तो मैं इसको इतना ही रख देता हूँ। अगर आप लोग को चेंज करने का मन हो गाइस तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को यही कलर अच्छा लग रहा है। अब आपके चश्मे का कलर है ना गाइस उसको चेंज करूँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेड करूँगा चश्मे का कलर को। यहाँ से मैं ड्रॉ टूल पर जाता हूँ गाइस, ये ड्रॉ टूल का जो ऑप्शन उस पर मैं क्लिक करूँगा। देन इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारा कलर पैनल है उस पर मैं क्लिक करूँगा, इसमें रेड कलर सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ई वाला कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको फ़ोटो को जूम करना है अपने चश्मे के कलर पर, इसको चढ़ा देना है, इसका साइज में बढ़ा लेता हूँ। देन आपको सिंपली ऐसे पेंट करना है इसको, ये देखिएगा कितना मस्त लगा रहा है हमारा पेंट करने से। तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने बताया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग अगर पहली बार आए हैं गैज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गैज हमारा फ़ोटो काफ़ी हद तक मैं आपको जेन्युइन ट्रिक इस वीडियो में बताया हूँ, तो आपको ये सब ट्रिक कैसी लगी गैज मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मिलते हैं गैज आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय गाइज़।